आज हमने बना रहे हैं आम की अचार, जो मेरी माँ बनाती है। ये दादी नानी के नुस्खे हैं, जो माँ की सासू माँ और माँ की माँ बनाती थी, जो सालों साल टिकी रहती थी, एक भी खराब नहीं होता था। और जानते हैं आपके घर में, हेलो गाइस, आप यदि अचार एक पीस निकालेंगे और वो बच भी जाते हैं, तो एक सरल उपाय है, इस तरह आम को कद्दूकस कर दीजिए और डालिए। इससे आपको जितनी आवश्यकता होती है उतने ही आप खा पाएंगे, आपका वेस्ट नहीं होगा आम। देखिए, सबसे पहले हमने आम को धो ली है और उसे पानी से धोकर अच्छे से सुखा कर कद्दूकस कर लिए हैं। उस पर नमक हल्दी मिला दी है और फिर देखिए क्या मिलाती हूँ, ये है अजवाइन और मंगरेल। ये बड़ा ही झटपट बन जाता है गाइस, और खाने में बहुत ही टेस्टी यम्मी लगते हैं। जानते हैं ये इतना ही सरल बनता है कि पूछो ही मत, झटपट भी बनता है, स्वादिष्ट भी बनती है। ये है कुटी हुई पीसी मसाले, जो बहुत ही यम्मी बनते हैं गाइस। आहा, अभी डाल ही रहे हैं कि इतनी खुशबू आती है। इसे जानते हैं गाइस, ये अचार वाला मसाला नहीं है, लेकिन ये एक मद्रासी मसाला है, जो कहीं कहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ पर थोड़े दूर में मिलते हैं, और ये डालते हैं तो बहुत ही यम्मी बनते हैं। गाइस, मेरे मुंह से तो पानी आ गए गाइस, जानते इतने यम्मी बनते हैं, मैं बता ही नहीं सकती। अभी बस इसे क्या है, बस ये मसालों में लपेट दिए और धूप में लगा दिए, और उसके बाद शाम को थोड़े से तेल गरम करके, ठंडा करके इसमें डाल दूंगी, दिखाऊंगी आपको। देखिए गाइस, आप सोच रहे हैं कि हाथ से देने से ये अचार ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये इसी तरह ही तो बोली हूँ कि ये दादी नानी के नुस्खे वाले अचार है, जो कभी ख़राब नहीं होते हैं। बस पता नहीं क्यों नहीं ख़राब होते, बस इतने आसान कि जिसे अचार बनाने भी नहीं आता हो, प्लीज़ गाइस आप एक बार बना के देखिए, वो इतना अच्छा बनेगा और ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, मसाला ना पीसना है ना कूटना है, बस बाज़ार से ख़रीदना है, आम को कद्दूकस करना है और डाल देना है। शाम को मैं तेल डालूँगी, अभी धूप में रख के आती हूँ, बस दो तीन दिन तक इसे धूप यूँ ही दिखाऊँगी, तब तक ये बनके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और भी मैं अलग अचार बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी गाइस। तो गाइस, शाम हो चुकी है, देखिए हमने धूप से अचार ले आए और गरम करके, तेल ठंडे करके फिर हमने डाले, लेकिन पता चला बर्नी थोड़ी सी कंजस्टेड थी ना गाइस, इसलिए फिर से हमने एक बर्तन में सबको निकाल कर अच्छी तरह से तेल मिला लिए। और जानते हैं गाइस, फिर से थोड़ी सी मिर्ची वाली पाउडर भी हमने डाल दी, ताकि कलर भी अच्छा दिखे गाइस और चटक भी लगे। गाइस, ये वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले ही बना लिए थे, लेकिन अब डाली, लेकिन खाए ना गाइस, बहुत ही टेस्टी लगे, और मेरे घर वाले तो इतने अच्छे लूट लूट कर खा रहे हैं ना, जानते आधी बर्नी होगी, इतनी टेस्टी यम्मी बनी है। इस तरह अचार बनाओगे तो सच में गाइस, बहुत ही कम मेहनत में और आसानी से टेस्टी अचार होगे, और इसके तो इतने अच्छे गुने की कभी खराबी नहीं होती। सच में गाइस, पिछले साल भी हमने बनाया था, जो खराब नहीं हुई थी। ओके गाइस, आपको यह आसान विधि आम का अचार बनाने यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, बाय गाइस।